अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 31 ऑफ कानूनदान वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर एपिसोड की तरह इस हफ्ते भी हम लास्ट वीक में रिपोर्ट की गई मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और उनमें डिस्कस किए गए मेन इश्यूज को एनालाइज करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड जनीन सन ऑफ अब्दुल हकीम एटसेट्रा वर्सेस कमालुद्दीन एंड अनदर। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर को ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया और डेथ सेंटेंस सुनाया। हाई कोर्ट ने पिटिशनर की कन्विक्शन को एक्सेप्ट करते हुए डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया। प्रेजेंट केस में कंप्लेनेंट ने पिटिशनर के सेंटेंस में एनहांसमेंट मांगी, जबकि पिटिशनर ने अपनी कन्विक्शन और सेंटेंस को अपील किया। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि क्या एक माइनर डिस्क्रिपेंसी की वजह से किसी विटनेस की टेस्टिमनी को इग्नोर किया जा सकता है। दूसरा इशू यह था कि क्या विटनेस की टेस्टिमनी इस बेसिस पर डिसरिगार्ड हो सकती है कि विटनेस और डिसीज में एक रिलेशनशिप था। पहले इशू पर कोर्ट ने कहा कि जहां तक प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की टेस्टिमनी में माइनर डिस्क्रिपेंसीज या गलतियों की बात है तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। पिटिशनर 12 साल तक अब्सकॉन्डर रहे और उनका ट्रायल उनके अरेस्ट के बाद स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी अरसा गुजर चुका था। इतने लंबे अरसे के बाद ऐसी माइनर मिस्टेक्स होना नेचुरल था, क्योंकि ये मिस्टेक्स डिसऑनेस्ट नहीं थी। सिर्फ इनकी वजह से प्रोसिक्यूशन के गवाहों का पूरा ऑक्यूलर अकाउंट डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता था। केस के दूसरे इशू पर आते हुए कोर्ट ने कहा कि ये लॉ का एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि विटनेस और डिसीज के दरमियान महज एक रिलेशनशिप होने की वजह से उस विटनेस की टेस्टिमनी डिस्कार्ड नहीं हो सकती, जब तक अक्यूज्ड ये प्रूफ ना करे कि विटनेस की अक्यूज्ड से कोई खास दुश्मनी या इल विल थी, जिसकी वजह से वो उसे झूठे केस में मुब्तला कर रहे थे। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स पर ऐसी कोई बात प्रूफ नहीं की गई। इन्हीं इश्यूज के बेसिस पर केस को एक अपील में तब्दील कर दिया गया और इसे पार्शली अलाउ कर दिया गया। T&N पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कलेक्टर कस्टम्स एक्सेट्रा। ये सिविल पिटिशन फॉर लीव टू अपील उस जजमेंट के खिलाफ डायरेक्टेड है जो लाहौर हाई कोर्ट ने इन कस्टम रेफरेंस पास की। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो सवाल थे। पहला ये कि फेडरल गवर्नमेंट किन सर्कमस्टांसिस में कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट करती है, और दूसरा ये कि अंडर सेक्शन 196 ऑफ कस्टम्स एक्ट रेमेडी ऑफ रेफरेंस एप्लीकेशन का क्या स्कोप है। पहले सवाल के हवाले से जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कस्टम एक्ट के सेक्शन 19 की रोशनी में जब भी सर्कमस्टांसिस ऐसे हों कि नेशनल सिक्योरिटी या नेचुरल डिज़ास्टर के पर्पसेस के लिए इमीडिएट एक्शन लिया जाए, तब फेडरल गवर्नमेंट किसी भी इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड्स पे कस्टम ड्यूटीज़ एग्जेम्प्ट कर सकती है। और दूसरे सवाल पर उन्होंने कहा कि रेफरेंस एप्लीकेशन एक ऐसी रेमेडी है जो कि कस्टम्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास किए ऑर्डर के हवाले से किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करने के लिए दी जाती है, और रेफरल ज्यूरिस्डिक्शन में ट्रिब्यूनल की रिकॉर्ड की गई फैक्ट फाइंडिंग्स इंटरफेयर नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ वर्सेस प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड 4 अदर्स। इस केस के फैक्ट्स पर चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद इस पोजीशन के लिए दो कैंडिडेट सामने आए, जिनमें से एक असेंबली के स्पीकर भी थे। स्पीकर ने फिर डेप्यूटी स्पीकर को नोटिफाइड किया कि वो आर्टिकल 130 के नीचे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए इलेक्शन होल्ड करें। प्रेजेंट पिटिशन में कोर्ट से यही रिक्वेस्ट की गई थी कि असेंबली का सेशन अडजॉइंट होने के बावजूद इसे दोबारा जल्द अज जल्द रीस्केड्यूल करवाया जाए। प्रेजेंट पिटिशन में पिटिशनर ने स्पीकर के उस एक्शन को भी चैलेंज किया जिसमें उन्होंने रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल 25 से मुतल्लिक डेप्यूटी स्पीकर की पावर्स विदड्रॉ की। इस केस में कोर्ट के सामने चार मेन इश्यूज थे। पहला इशू यह था कि क्या स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के बाद क्या प्रोविंशियल असेंबली के पास ये मैंडेट है कि वो फेस टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस का इस्तेमाल करते हुए जल्द अज जल्द चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन करवाए। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 130 क्लॉज 3 के इंटरप्रिटेशन पर प्रोविंशियल असेंबली के पास ये मैंडेट है कि वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन के बाद फेस एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस के तहत जल्द अज जल्द चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन करवाए। इस आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के दरमियान मुवाजना किया जा सकता था, और इस आर्टिकल का मैंडेट ये बात क्लियर बनाता था कि चीफ मिनिस्टर के लिए जल्दी इलेक्शंस करवाना कितना लाजमी था। इसीलिए जब भी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस वेकेंट हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 67 के तहत फ्रेम किए गए रूल्स 17, 18 और 19 और 20 को आर्टिकल 127 के साथ पढ़ते हुए इलेक्शंस करवाने चाहिए, और ये इलेक्शंस सेशन के समन होने के दो दिनों के अंदर अंदर होने चाहिए। इस केस का दूसरा इशू ये था कि क्या चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन रखवाने के लिए असेंबली की सिटिंग को अडजॉइन करना क्योर किया जा सकता था। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल 17 सब रूल 2 के तहत
चीफ मिनिस्टरशिप के इलेक्शन से एक दिन पहले शाम 5 बजे तक नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो जाने चाहिए। इस हवाले से रूल्स ऑफ प्रोसीजर से ये बात क्लियर है कि इलेक्शन 2 यूनिफाइड डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए और ये टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 130 क्लॉज 3 के तहत दिया गया है। क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये स्टैट्यूटरी रूल से एक हायर फुटिंग पर है। इसीलिए डिप्टी स्पीकर का ये कदम, जिसके थ्रू उन्होंने असेंबली का सेशन 6 अप्रैल से 16 अप्रैल तक एडजॉर्न कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मैंडेट से बाहर था। अलबत्त कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 254 में एक रेस्क्यू प्रोविजन दी गई है, जिसके नीचे कोई भी एक्ट सिर्फ इसलिए इनवैलिडेट नहीं हो सकता क्योंकि इसे कॉन्स्टिट्यूशन की दी गई टाइम लिमिट के अंदर नहीं किया गया। इसी प्रोविजन को अप्लाई करते हुए कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के उस एक्ट को वैलिडेट किया, जिसके थ्रू उन्होंने 16 अप्रैल तक असेंबली का इजलास मुंतकिल किया था। इस केस का तीसरा इशू ये था कि क्या स्पीकर एक नोटिफिकेशन के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 क्लॉज 3 के तहत डिप्टी स्पीकर की पावर्स विथड्रॉ कर सकते हैं। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 53 के तहत अगर स्पीकर एब्सेंट हो या अपने फंक्शंस परफॉर्म ना कर सके तो इस दौरान डिप्टी स्पीकर स्पीकर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। स्पीकर एक नोटिफिकेशन के जरिए डिप्टी स्पीकर को अपनी पावर्स इंट्रस्ट कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन डिप्टी स्पीकर को इख्तियार देता है कि वो स्पीकर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, तो स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो डिप्टी स्पीकर से ये पावर एक नोटिफिकेशन के थ्रू वापस ले ले। ना ही ये बात लाजमी थी कि स्पीकर नोटिफिकेशन जारी करके कहे कि डिप्टी स्पीकर को वो अपने इख्तियार दे रहे हैं, क्योंकि ये तमाम पावर्स डिप्टी स्पीकर को कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। स्पीकर का वो ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसके थ्रू उन्होंने ये पावर्स विथड्रॉ करने की कोशिश की। इस केस का चौथा इशू ये था कि क्या अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के हवाले से एक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेंडिंग हो, तो क्या फिर भी डिप्टी स्पीकर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस के सेशन पर प्रिजाइड कर सकता है। इस हवाले से कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 130 क्लॉज 3 और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल 17 के नीचे दिए गए मैंडेट के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस को प्रायोरिटी देनी होगी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उन सेशंस पर प्रिजाइड नहीं कर सकते जिनमें उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कंसिडर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस दौरान वो दूसरे सेशंस में भी प्रिजाइड नहीं कर सकते। इस केस का आखिरी इशू ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 69 को निकाल कर क्या डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का कोई भी एक्ट या डिसीशन रिव्यू हो सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की रूलिंग के साथ इम्यूनिटी सिर्फ तब तक अटैच रहती है जब तक वो अपनी ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहते हुए परफॉर्म करे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से बाहर जाएंगे या लॉ को मिसअप्लाई करेंगे या अपनी डिस्क्रेशन को मिसयूज करेंगे, तो आर्टिकल 69 में दी गई इम्यूनिटी के अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के एक्शंस को रिव्यू किया जाएगा। अल्ताफ अहमद मखदूम अगेंस्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब एक्सेट्रा। इस पिटिशन में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 के जरिए पिटिशनर ने आईजी के ऑर्डर को चैलेंज किया है, जिसमें केस की इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र हो गई थी। अब अदालत के सामने सवाल ये था कि क्या सेक्शन 173 सीआरपीसी के अंडर फाइनल रिपोर्ट की सबमिशन के बाद री इन्वेस्टिगेशन पर कोई लीगल बार है, और दूसरा ये कि क्या री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन परमिसिबल सब्जेक्ट टू आर्टिकल 18A ऑफ द पुलिस ऑर्डर 2002 एज रूटीन मैटर अलाउड है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पहले सवाल पे कहा कि सेक्शन 173 सीआरपीसी के अंडर फाइनल रिपोर्ट की सबमिशन के बाद री इन्वेस्टिगेशन पे कोई लीगल बार नहीं, और ख़ास तौर पर एक्यूज्ड के इंडाइक्ट होने के बाद, और दूसरा ये कि री इन्वेस्टिगेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन परमिसिबल है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 18A ऑफ द पुलिस ऑर्डर 2002, पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ये रूटीन में ऑर्डर हो। PLD 2022 इस्लामाबाद 120 अब्दुल फारूक वर्सेस मरियम फारूक। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट्स नंबर 1 और 2 बहनें थीं और इनकी शादियाँ पिटिशनर्स नंबर 1 और 2 जो कि दो भाई थे उनके साथ की गई थी। इन दोनों कपल्स की अपनी शादियों से बच्चे भी थे। अलबत्त 2021 में दोनों बहनें अब्यूज़ की वजह से अपने वालिद के घर चली गई। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट्स सिर्फ अपनी एक बच्ची को साथ लेकर गई जो कि एक दूध पीती बच्ची थी, और बाकी बच्चों को पिटिशनर्स के साथ ही छोड़ा गया। अलबत्त रिस्पोंडेंट्स ने फिर अपने बाकी बच्चों की कस्टडी के लिए CRPC के सेक्शन 491 के तहत एप्लीकेशन फाइल की, जो कि एडिशनल सेशंस जज ने एक्सेप्ट की और बच्चों को उनकी माओ के हवाले कर दिया गया। प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट्स ने एडिशनल सेशंस जज के इसी ऑर्डर को चैलेंज किया। इस केस में कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था, वो ये कि CRPC के सेक्शन 491 के तहत हेबियस कॉर्पस की पिटिशन की कस्टडी में
और गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के नीचे दिए गए कस्टडी ऑर्डर में क्या फ़र्क है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि जब एक कोर्ट एक बच्चे के हवाले से हेबियस कॉर्पस की पिटिशन एडजुडिकेट कर रहा हो तो इसे एक आम हेबियस कॉर्पस की रिट के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक आम हेबियस कॉर्पस पिटिशन में कोर्ट का फोकस होता है कि एक इलीगली डिटेन्ड शख्स की आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अपहोल्ड करनी चाहिए। अलबत्ता जब इस पिटिशन को एक बच्चे की कस्टडी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जा रहा हो तो कोर्ट की मेन कंसिडरेशन ये होती है कि जब तक गार्डियन कोर्ट परमानेंटली बच्चे की कस्टडी डिसाइड ना करे उस इंटरिम दौरानिए में भी सेक्शन 491 के नीचे बच्चे की कस्टडी लॉफुल तरीके से ही इस्टेब्लिश हो। ये बात 1998 SCMR 1891 में क्लियरली बताई गई थी कि सेक्शन 491 और गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट की प्रोविजन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करती। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने PLD 1997 SC 852 में भी ये बात कंफर्म की कि अगर किसी शख्स के पास गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के नीचे रेमेडी है भी तो भी ये कोर्ट को सेक्शन 491 के नीचे जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने से बार नहीं करता। इसीलिए सेक्शन 491 का मकसद है एक इंटरिम दौरानिए के लिए बच्चे की कस्टडी का फैसला करना जब तक कि गार्डियन कोर्ट पक्का फैसला नहीं सुनाता। कोर्ट ने यह बात भी क्लैरिफाई की कि हमेशा ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि छोटे बच्चों का अपने माँ के साथ रहना ही उनके लिए बेहतर है और कोर्ट को हर बच्चे की ज़रूरियात को देखना चाहिए। इस केस में बच्चों की कस्टडी उनकी माँ को दे दी गई और गार्डियन कोर्ट को डायरेक्ट किया गया कि वो 60 डेज के अंदर एक परमानेंट फैसला भी सुनाए। मोहम्मद हमजा एंड अनदर अगेंस्ट द स्टेट एंड अनदर। इस क्रिमिनल अपील के जरिए अपेलेंट्स ने एंटी टेररिज्म कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज किया है, जिसमें दोनों अपेलेंट्स कन्विक्ट हुए थे अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, सेक्शन 7B ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 एंड सेक्शन 13(2)(c) ऑफ द आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965। अब अदालत के सामने दो सवाल थे। पहला ये कि सेफ कस्टडी और चेन ऑफ सेफ कस्टडी में क्या फ़र्क है, और दूसरा ये कि सेफ कस्टडी और चेन ऑफ सेफ कस्टडी के प्रिंसिपल्स कहाँ अप्लाई होते हैं। जस्टिस सुहेल नासिर और जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि अगर केस प्रॉपर्टी किसी ऑफिशियल या इंडिविजुअल के पास है तो वो सेफ कस्टडी है, और अगर केस प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑफिशियल से दूसरे ऑफिशियल को ट्रांसफ़र हो तो वो चेन ऑफ सेफ कस्टडी है, और सेफ कस्टडी और चेन ऑफ सेफ कस्टडी के प्रिंसिपल्स किसी स्पेसिफिक केस या सिचुएशन को नहीं कन्फाइंड, बल्कि हर उस केस में अप्लाई होंगे जहां प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन डिमांड करे। PLD 2021 फेडरल शरीयत कोर्ट 52 सरदार अली खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर के खिलाफ एक सूट डिक्री किया गया। पिटिशनर ने फिर इस डिक्री के खिलाफ अपील की, लेकिन ये अपील डिसमिस कर दी गई। अपील सक्सेसफुल ना होने पर पिटिशनर ने प्रेजेंट केस में ये पिटिशन की कि CPC के ऑर्डर 7 रूल 2 और ऑर्डर 20 रूल्स 12 और 13 को इस्लाम और सुन्नत के खिलाफ डिक्लेयर किया जाए। इस केस में फेडरल शरीयत कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था, और वो ये कि क्या CPC की ये रिलेवेंट प्रोविजंस इंटरेस्ट या सूद से रिलेटेड होने की वजह से अन इस्लामिक थी। इस इशू को एनालाइज करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर 7 रूल 2 और ऑर्डर 20 के रूल्स 12 और 13 की वर्डिंग को गौर से एनालाइज किया। कोर्ट के मुताबिक ऑर्डर 7 ये बताता है कि एक मनी सूट किस तरह फ्रेम किया जाता है और इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। इसी तरह ऑर्डर 20 के मुतल्लिका रूल्स में ये बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से डिक्री किस तरह ड्रॉ की जाती है और रेंट या प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट होना चाहिए। इन दोनों प्रोविजंस में कहीं भी इंटरेस्ट का जिक्र नहीं किया गया और ना ही ये सूद या रिबा कलेक्ट करने की इजाज़त देती है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पिटिशन में एक प्रोसीजरल डिफेक्ट है, क्योंकि एक टाइम में फेडरल शरीयत कोर्ट के सामने एक ही प्रोविजन चैलेंज की जा सकती है। इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा कि ये प्रोविजंस प्रोसीजरल है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 203(b) के तहत ये फेडरल शरीयत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करती। इन्हीं सब इश्यूज की बेसिस पर इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया। रबियाज बीबी अगेंस्ट मतीउर रहमान अनदर्स। पिटिशनर ने सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर डाउरी आर्टिकल्स और मेंटेनेंस अलाउंस फाइल किया। ट्रायल कोर्ट ने सूट पार्शली डिक्री किया और इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस अलाउंस ग्रांट किया, मगर बाकी रिलीफ टर्न डाउन कर दी, जिसके बाद अपील भी डिसमिस हो गई। जस्टिस मोहम्मद नईम अनवर ने कहा कि सिकेंडम एलिगेटा एट प्रोबेटा के मैक्सिम के बेसिस पर पिटिशनर रिक्वायर्ड था कि वो फिक्सेशन ऑफ डावर प्रूव करे, जिसका मतलब है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा जो कोई फैक्ट असर्ट या अलेज करेगा। प्लीडिंग में फैक्ट्स मेंशन कर देना ही काफ़ी नहीं, लिहाजा पिटिशन डिसमिस हो गई। लाहौर हाई कोर्ट अब्दुल रशीद एंड अनदर वर्सेस हाजी मोहम्मद रमजान एंड अनदर।
सिविल रिविजन नंबर 23063 ऑफ 2019। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर ने एक सूट में एप्लीकेशन फाइल की कि कोर्ट जुरिस्डिक्शन के हवाले से इशूज़ फ्रेम करें। अलबत्ता सिविल जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने यह एप्लीकेशन डिसमिस करके रिस्पोंडेंट की जानब से फाइल किया गया सूट फॉर रिकवरी डिक्री कर दिया। इस सिविल रिविजन में कोर्ट के सामने दो मेन इशूज थे। पहला इशू यह था कि क्या रेवेन्यू कोर्ट्स के पास एग्रीकल्चरल लैंड के लीज के हवाले से जुरिस्डिक्शन है। दूसरा इशू यह था कि सिविल कोर्ट को तब क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए जब सिविल कोर्ट के सामने रेवेन्यू कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल करने वाला इशू पेश किया जाए। पहले इशू पर कोर्ट ने कहा कि पंजाब टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 77 तीन हिस्सों में डिवाइडेड है और वो सूट्स जिनमें लैंडलॉर्ड रेंट के अरेयर्स के लिए या रेंट के इक्विवेलेंट पैसों के लिए या इसी एक्ट के सेक्शन 14 के नीचे पैसे रिकवर करना चाह रहा हो तो इनकी रिकवरी सेक्शन 77 सबसेक्शन 3 एन के थ्रू होती है। ऐसा सूट सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट के सामने ही इंस्टीट्यूट किया जा सकता है और सिर्फ वही कोर्ट इसे डिटर्मिन कर सकता है और कोई भी और कोर्ट इस इशू की कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। केस के दूसरे इशू पर कोर्ट ने कहा कि अगर रेवेन्यू कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल करने वाले इशू सिविल कोर्ट के सामने पेश कर दिए जाए तो सिविल कोर्ट के लिए ज़रूरी है कि वो प्लेंट के ऊपर उस सूट का इशू लिखे और CPC के ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत उसे कलेक्टर के सामने प्रेजेंट होने के लिए भेज दे। इन सब इशूज़ की बेसिस पर कोर्ट ने इस डिविजन को एक्सेप्ट किया और केस ट्रायल कोर्ट को रिमांड कर दिया। जावेद अहमद मीर अगेंस्ट मोहम्मद अफजल एंड अदर्स। अपेलेंट का सूट सिविल कोर्ट से रिजेक्ट हो गया और वो कंटेंड कर रहा था कि वो परचेजर बॉडी का सोल प्रोप्राइटर है और ना वो बॉडी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट थी और ना ही कोई पार्टनरशिप फर्म, इसलिए सूट के इंस्टीट्यूशन के लिए ऑथराइजेशन इन फेवर ऑफ अपेलेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। मजीद ये कि एक सोल प्रोप्राइटर तो एक सूट फाइल कर सकता है पर एक सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं। और आखिरी ये कि अपेलेंट ने प्लेंट में अमेंडमेंट के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट की थी कि सेलर कंपनी को एज अ डिफेंडेंट इम्प्लीट किया जाए, जिसको सिविल कोर्ट ने अनडिसाइडेड छोड़ दिया। दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट का कहना था कि अपेलेंट्स अपनी फेवर में कोई ऑन रिकॉर्ड ऑथराइजेशन बाय द परचेजर बॉडी नहीं लेके आए थे और ना ही सेलर कंपनी इम्प्लीड हुई थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने अपील अलाउ करते हुए कहा कि कुछ भी ऑन रिकॉर्ड ये नहीं शो करता था कि परचेजर बॉडी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है या पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। पार्टीज की प्लेंट क्लियरली शो कर रही थी कि एक सूट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के सोल प्रोप्राइटर ने फाइल किया था, यानी कि अपेलेंट ने, और सूट बिल्कुल करेक्टली फाइल हुआ था। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अपेलेंट का सूट नॉन इम्प्लीडिंग ग्राउंड्स पर रिजेक्ट नहीं हुआ और अपेलेंट की एप्लीकेशन तो रही ही अनडिसाइडेड। और इसके साथ ही आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।